When I saw you first time, मेरी सांसें थमी, वक्त ठहरा और ये लड़का होश में नहीं आएगा. When I saw you first time, लगे जिंदा हुआ आशिक वो पुराना और ये मोक्ष में नहीं जाएगा. When I saw you first time, मैंने ख्वाब देखा, राहों में चलते मैंने तुझे अपने साथ देखा. अंधेरी रातों में इन हाथों में एक हाथ देखा, तारों के नीचे खड़ा मैंने मेरा एक चांद देखा. काफी देर कर दी आते आते, बट मैंने बोला था कि हम आएंगे, जरूर आएंगे. वी विल बी लिसनिंग टू एमसी स्टैन्स लेटेस्ट एल्बम इंसान. नमस्ते टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर डूइंग गुड. आप अपने अपने घरों में बिल्कुल सेफ हो, सुरक्षित हो. थोड़ा सा बिजी था मैं पिछले एक महीने से, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे गाने मिस किए हैं. और जो बहुत ही हाईलाइटेड चीज़ मैंने मिस की थी वॉज एमसी स्टैन्स एल्बम इंसान. हम शुरू करने वाले हैं जर्नी. सबसे पहला ट्रैक हम देखने वाले हैं इंसान विद द ऑफिशियल वीडियो. आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली पम्प्ड. मेरे को आधे से ज्यादा गानों के हुक्स पता है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे यू जस्ट कैन नॉट रेजिस्ट भाई. इतने मेंशंस और इतने रील्स मेरे को भेजे जाते हैं, डेली याद दिलाया जाता है कि बॉस यू हैव मिस्ड एमसी स्टैन्स एल्बम, उसका रिव्यू चाहिए, उसको सुनो, उस पर रिएक्शन चाहिए, उसको बताओ कैसा है कैसा नहीं. तो हेयर आई एम. थोड़ा सा लेट हूँ उसके लिए, माफी मुश्किल है, बट एज आई सेड थोड़ा सा बिजी हो गया था, तो माफ करना. अभी बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा शुरू करते हैं एमसी स्टैन की लेटेस्ट एल्बम को रिव्यू करना. एक के बाद एक गाने करेंगे हम. सबसे पहले हम इंसान करने वाले हैं और फिर जितने भी बचे हुए गाने हैं वो करेंगे. ऑर्डर तुम लोग डिसाइड करोगे, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताना कि नेक्स्ट गाना मैं किस पे रिएक्ट करूं, कौन सा गाना सुनूं. इका के साथ भी कोलैबोरेशन है, रफ्तार के साथ भी कोलैबोरेशन है, बहुत तगड़े तगड़े ट्रैक्स हैं ट्रैक लिस्ट में. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अब और नहीं, चलो बस्ती का हस्ती भी यार, मैं इस वाले गाने को सुनने के लिए भी काफी पम्प्ड हूं. बाद वाले गानों की बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल शुरू करते हैं इस गाने से. ठीक है, 3, 2, 1 एंड. तेरा नहीं मालूम लेकिन मैं इंसान. कुछ लोग तो भूल गए अपन शैतान है इंसान. सब इंसान खुश थे उस वक्त पे जब नहीं था पैसा. मैं भी एक इंसान है, वो भी सेम तेरे जैसा. किसको नहीं मालूम इंसान कैसे आए इस धरती पे. तू आए दुनिया में पर जाएगा किसकी मर्जी से. खुदा ने भी सो जाऊंगा, किसको बनाए गलती से. पहले के लोग क्यों दूर रहने के लड़े. एमसी स्टैन का ये वाला जो वर्जन है इज एक्वायर्ड टेस्ट है. जो पहली बार ये रिएक्शन देख रहा होगा या जो पहली बार एमसी स्टैन को सुन रहा होगा, ही माइट बी लाइक ये क्या, थोड़ा सा टेक्सचर अलग है. बट जिस तरीके से ये पूरी बीट पे फ्लो कर रहा है, जिस तरीके से ड्रॉप है, जिस तरीके से पूरी अरेंजमेंट बिठाई हुई है, इज कमेंडेबल. बहुत सही जा रहा है अभी तक मेरे हिसाब से. बिकॉज एज आई सेड हिज ट्रैक्स आर नाउ अक्वायर्ड टेस्ट. जैसे तुम सुनने लगते हो वैसे वैसे वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ने लगते हैं, वैसे वैसे तुम्हें वो और डेली पसंद आने लगता है. पहली बार जब सुना मैंने मेरे पास ने पैसे थे ब्रो वो टाइम पे. बजरेला में कुछ तू डिप, तू फकिंग ध्यान दे. कितने लोग का घर चल रेला मेरे नाम पे. मैं आएंगे पैर तेरे साथ, मेरे आएंगी तेरी दोस्ती. मेरे को दो गज जमीन चाहिए दफन होने के लिए ब्रो. तू बोलता झूठ लेकिन मैं नहीं बोलता. मैं करता सजा, तू करता गुना. इंसान को कुछ दिख रहा नहीं, सिर्फ दिख रहे पैसे. ये पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे. एक इंसान एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे. ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे. इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम. मैं समझा रहा था इंसान. ड्रॉप बहुत प्यारा है भैंस किया, जो बज रहा है ना टक करके. देखें तो किसने प्रोड्यूस किया, ऑफ कोर्स एमसी स्टैन ने प्रोड्यूस किया. पर जानवर ने समझा पे छोटा से बड़ा बनना चाहता है ब्रो. क्यों तू मैं कैसा करता ब्रो जैसे मैं ठीक हूँ. तुम पूरी जिंदगी बढ़ो नहीं यहाँ पे कौन है रियल. तू भी एक इंसान में भी एक इंसान इसलिए होता फिर. हम सब एक एनर्जी है जिसको बोलते रूह और दिल. कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैं करता डील. रोता नहीं मैं रोता, दिल नहीं हो रहा मेरे को कुछ भी. फील दिल नहीं कर रहा मैं खा के पी. ये तू किसका दिल में गॉड को लेके आता फिर मैं मेरे को मिल या मौत को मिल. ये मैं लिख रहा कुछ तो डीप इसलिए तुम मेरे फैन है. मैं नहीं कर रहा कुछ, ये सब गॉड प्लान है. मैं भरोसा करने का क्योंकि तू एक इंसान है. मैं बेचना सोल चाहता खुद को मैं तो सियान है. इंसान को कुछ दिख रहा नहीं सिर्फ दिख रहे पैसे. ये
आई एम नॉट गोना लाइ, इस पूरे ट्रैक में जो यूएसपी वो बीट चल रही है बहुत तगड़ी, क्योंकि फ्लो इज अनऑर्थोडॉक्स, मानो मत मानो कि फ्लो इज लाइक कि भाई आप जब बार बार सुनोगे तभी आप पता लगा पाओगे कि यू इफ यू कैन एक्चुअली हैव अ गुड रिटेंशन अबाउट दिस ट्रैक और नॉट. लेकिन जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में बीट इज अ विनर, और वो भी एम सी स्टैन नहीं बनाए, भाई बहुत तगड़ा बीट प्रोड्यूसर है. पैसों के वजह से हो गए हम लोग कैसे, एक इंसान एक इंसान को मारता और सब लोग देख रहे, ऊपर वाले ने जबान दिया इसलिए कुछ ही बज रहे. इंसान को सिर्फ पैसे चाहिए और शायद से फेम, मैं समझा रहा था इंसान को पर जानवर ने समझा पेन. ऐसे बड़ा बनना चाहता है ब्रो क्यों तू, मैं कैसे करता जैसे मैं अभी ठीक हूँ. काफी सही ट्रैक था भाई, काफी तगड़ा ट्रैक था. जैसे मैंने बोला इसमें क्लियर विनर जो था वो उसकी इसकी बीट थी. मेरे को काफी कुछ हद तक, मतलब मैं जैसे अगर मैं किसी भी बाहर गाँव के आर्टिस्ट को सुनता हूँ और मेरे को जो फीलिंग काने वेस्ट के साथ आती है वो मेरे को एमसी स्टैन के साथ आती है कि बीट बहुत तगड़ी होती है, हुक्स बहुत अडिक्टिव होते हैं. लेकिन अगेन वर्सेस को और फ्लो को समझने के लिए तुमको यू हैव टू रियली अक्वायर देयर टेस्ट, क्योंकि वो नॉर्मल चाल चलते नहीं, वो जो नॉर्मली लोगों को पसंद आएगा वो चीज़ वो बनाते नहीं है. दे मेक समथिंग दैट दे रियली बिलीव इन एंड देन दे एक्सपेक्ट कि बाकी लोग उसको पसंद करें, जो कि करते भी हैं विद टाइम ऑफकोर्स. जैसे मैंने गाना पहली बार सुना एंड मेरे को अच्छा लगा गाना, हो सकता है मैं दो तीन बार देखूँ तो मुझे बहुत तगड़ा ट्रैक लगे, हो सकता है कि मैं दो तीन बार देखूँ एंड आई एम स्टिल एट द सेम पोजिशन कि भैया अच्छा गाना है. इस मामले में तो कोई दो राय नहीं है कि भाई बीट बहुत बहुत कैंट है, बहुत तगड़ी है. जो हुक है वो बहुत अच्छा है, ऑडियो इंजीनियरिंग के पैसे हैं बॉस. जो ड्रॉप पे वो फ्लो छूट रहा है वो बहुत तगड़ा है. ऑफकोर्स उसने फ्लो उस तरीके से बिठाए नहीं तो आई कॉन्ट रियली कंप्लेन अबाउट इट, बट आई वुड रियली वॉन्ट कि भाई वो काश गाना होता. आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि जैसे एम सी स्टैन का गाना था ना नानचाकू, उसके साथ नानचाकू था, हाँ नानचाकू था शायद, पसंद है जो उनके साथ आया था सीधे मौत के साथ, जो जो फ्लो उस गाने में था. आई रियली वॉन्ट कि इसकी इस वाली एल्बम में एक ट्रैक तो एटलीस्ट ऐसा हो, मेरे को बहुत मजा आ जाएगा. बट आई एम नॉट एट ऑल डिसअपॉइंटेड, ये बहुत तगड़ा ट्रैक है. एंड नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई आई विल बी कंपेयरिंग दिस टू तड़ी पार. तो अभी मजा आ रहा है, देखते हैं तड़ी पार के किस लेवल तक का गाना, किस लेवल की एल्बम है, क्योंकि तड़ी पार वॉज भाई. तो आई एम वेटिंग, देखते हैं कौन सा गाना मैं नेक्स्ट सुनने वाला हूँ इसमें. तुम मेरे को बताओ कि कौन सा गाना मैं नेक्स्ट सुनूँ एमसी स्टैन की एल्बम इंसान में से. मेरा बड़ा मन है बस्ती का हस्ती सुनने का, और इक्का के साथ जो वो आया हुआ क्या कहते हैं कोलैबोरेशन, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जो ग्रोथ कमर्शियल आर्टिस्ट में बहुत तगड़ी आई है वो इक्का भाई हैं, भाई बहुत तगड़ा काम किया है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एमसी स्टैन और इक्का जो गाना है उसके लिए. फिलहाल के लिए यही था मेरा रिएक्शन, यही था मेरा रिव्यू. आई होप यू गाइस लाइक इट. इफ यू डू प्लीज हिट द लाइक बटन, हम 100K के बहुत करीब हैं. एज आई सेड आई विल बी पुटिंग इन वर्क, आई वांट यू गाइस टू जस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली डू. तो मजा आ जाएगा मेरे को भी काम करने में और वीडियोज बनाने में. लेट्स ब्रिंग दैट सिल्वर बटन होम. अब काफी टाइम हो गया, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ मैं बीच बीच में गायब हो रहा हूँ, पर कुछ वजह थी जो मैं धीरे धीरे करके डिस्क्लोज करूंगा. मैं खुद के गानों पर काम कर रहा हूँ, नया गाना निकाला मैंने अभी टिप्सी, आउट ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑन यूट्यूब, को चेक इट आउट, मुझे बताओ कैसा है कैसा नहीं. फिलहाल के लिए मैं निकलता हूँ यहाँ से, वक्ता मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार. When I saw you first time, babe, I chose you. Crossing all the borders so that baby I can be with you. Just
स्ट्रेस का टाइम बेबी थोड़ा सा सबर कर जैसे हुआ तेरा मैं बेबी होगी जल्दी मेरी तू जैसे हुआ तेरा मैं जैसे हुआ तेरा मैं जैसे हुआ तेरा मैं जैसे हुआ तेरा मैं I choose you then I choose you now